कॉन्फ्रेंस का कई वजह है, लेकिन ज़्यादातर ये जो वजह है वो टॉरेंट ही वजह है। टॉरेंट के लोग आप लोगों को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि साहब सब ठीक ठाक चल रहा है, हम लोग कुछ भी गलती नहीं कर रहे हैं, सब ठीक ठाक है। और उनके एक अधिकारी कोई हैं चेतन करके, वो आप लोगों के साथ बयान करते हैं। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं कि चेतन जी, आपसे बड़े बड़े सब आपके एमडी लेवल के लोगों के साथ, एक तरफ हमारी पार्टी थी, एक तरफ आपके सारे अधिकारी थे और पुलिस वाले बीच में अंपायर की तरह कमिश्नर थे, जब उसमें बात हो गई और हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप जब बात कर रहे हैं तो मीडिया को भी अलाउ करो ना। मैंने उस दो मीटिंग में भी कही थी कि मीडिया को अलाउ करो, उन्होंने मीडिया को अलाउ नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि अब आप चूहे बिल्ली का खेल कब तक खेलेंगे, आप एक बड़ा हॉल जो है पहले तैयार कीजिए और वहां पर आइए, बड़े प्रोजेक्टर लगाइए और सारे लोगों को आने दीजिए, मीडिया को बढ़िए, पुलिस वालों को बिठाइए, फिर हम आपकी कमियां गिनाते हैं कि आपने क्या क्या किया है लोगों के साथ और कैसे लोगों के साथ चीटिंग चल रही है। वो चीटिंग आप कर रहे हैं या MSEDCL कर रहा है, वो बात की चीजें होंगी, लेकिन उन सारे चीटिंग को उजागर हम करेंगे। दो घंटे हम आपका लेंगे और प्रोजेक्टर के ऊपर एक एक चीज करके दिखाएंगे। ये तो पहली दरखास्त है। दूसरी ये है कि हम जो भी चीज करने जा रहे हैं वो पुलिस प्रशासन जो है हमें करने के लिए इजाजत नहीं दे रही है, उसको पहले परमिशन देती है। पहले कहते हैं हम परमिशन देंगे, आप रैली कीजिए, नुक्कड़ सभा मत कीजिए, आप लोगों को ये मत कहिए, वो मत कहिए। जब हम रैली के लिए जाते हैं तो पहले परमिशन दिया जाता है, बाद में उस परमिशन को कैंसिल किया जाता है। तो क्या ये सिर्फ हमारे लिए है? ये कैंसिल कर दिया गया और सिर्फ ये कोरोना और ये सब का बहाना देकर ये पुलिस, ये इन्होंने दिया हवाला तो दिया है कि पुलिस कमिश्नर ऐसा ऐसा दे रहे हैं कि किसी को परमिशन मत दीजिए, किसी को रैली मत करने दीजिए। परमिशन सिर्फ और सिर्फ इसमें दो तीन वजहें दी गई हैं। एक तो कोविड का बहाना दिया गया है कि ये कोविड है। दूसरा कहा गया यहां सड़कें एक ही है जाने की, उससे ट्रैफिक का मसला आ जाएगा। ये दो छोटे छोटे उनके है और इससे पहले हमेशा होती रही है और सिर्फ हमको दबाने के लिए ये सारी चीजें की गई है। और हमारा कहना कि कोविड का अगर है तो कोविड सबके लिए पहाड़ महाराष्ट्र में। कल हजारों के तादाद में शिवसेना ने बड़ी रैली की औरंगाबाद में और आज भी पेट्रोल के खिलाफ ये सत्ताधारियों की आज फिर रैली है यहाँ पे, क्या कहते हैं, बॉम्बे में। तो ये सारी चीजें उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। जो अप्लाई होती है हमारे टॉरेंट के लिए, जो दूसरी पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, उनके ही ऊपर उनके जो कैंसिल है परमिशन किए जाते हैं और ये सब कराया जाता है सत्ताधारियों की तरफ से। यही हमारा कहना है और इसमें हम चाहते हैं कि ये जो पुलिस वाले लोग हैं ये लोग निष्पक्ष होकर के सबकी सुने और सबको परमिशन देने की कोशिश करें। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कोर्ट का मसला यहां नहीं है, यहां कोर्ट का सिर्फ मसला नहीं है। देखिए, इनके तहत था कि इनको भगाने के लिए ऑब्जेक्शन लेना था कि जहां आम आदमी पार्टी जा रही है, लोग उनको चुनने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, वहां बिजली क्या सारी चीजें खत्म हो जा रही है, फौरन सारी फैसिलिटी मिलने जा रही है। हमने बताया, अभी सुन लीजिए पूरी बात कि हुआ क्या इसका असर, कि वहां बिजली कंपनी ने पंजाब में 4.20 रुपया से सीधे फर्स्ट स्लैब में 3 रुपया कम करके 1.20 रुपया कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्लैब में 4-5 रुपए कम, इसी तरह 6-7 रुपए, यानी सारे स्लैब उनके पूरे कम हो गए। जो 2000 का बिल आ रहा था उनका 200 यूनिट का, अब उनका 600-700 रुपए आने वाला है। तो जहां आम आदमी पार्टी जा रही है, मालूम है कि ये सब भ्रष्ट है और सब मिलके खा जाते हैं, तो सबसे पहले ऐलान करती केजरीवाल ने तो कहा यहां तक के साहब हम पूरे हिंदुस्तान में आ जाए तो बिजली ऑलमोस्ट सब फ्री ही मिल जाएगी, कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर कॉस्ट नहीं है, हम थोड़ा बहुत है वो हम समझ सकते हैं, लोगों के टैक्सेस से आते हैं। तो ये इनको भगाना बहुत दूर नहीं है। हम तो आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो समझेंगे, इनके जितने के जितने सबूत है आप तब जाएं। कोर्ट का तरीका होता है कि पहले आप निचले सतह से होते हुए आएंगे, निचले सतह से होते हुए आएंगे तब आप शिकायत लाएं। आप वहां पर पहुंचे नहीं, उनके साथ बातें नहीं हुई है आपकी और आप सीधे कोर्ट पर पहुंच गए हैं, ठीक है। हमारे पास सबूत है, कोर्ट में कितना टाइम लगता है ये भी आपको पता है, खूब अच्छी तरह पता है कि कोर्ट में किस चीज़ को कितना जमाने तक चलता रहेगा और वो केस लिंगर ऑन होता रहेगा, आपकी सुनवाई होगी। उससे पहले हम तो इनिशियल स्टेज में हर बार इनको कह रहे हैं कि साहब आप हमारे साथ बैठिए, हम आपकी गलतियां बता रहे हैं, आप मीडिया को लाइए, जो हम फिर ऐलान कर रहे हैं कि मीडिया को लाइए, आपके साथ हम बैठेंगे। अब कोर्ट में होता है लंबा भी होगा और खर्चा भी होगा, ठीक है। अब खर्चे के लिए भी हमें लोगों के पास भागना, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ना कोई रिसोर्सेज है या ना हमारी दूसरी की चीज़ें हैं।
हम लड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन कोर्ट के पास तब जाइए जब सब जगह से होके आप आ गए हैं। लास्ट रिजॉर्ट जिसको कहते हैं, लास्ट रिजॉर्ट होता है कोर्ट, जहां पर आज भी हमें परमिशन का मसला है। हम यहां के कल हम जा रहे हैं सीपी के पास, परसों नहीं मतलब इसी हफ्ते फिर हम जा रहे हैं डीजीपी के पास, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है महाराष्ट्र पांडे जी, उनसे बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम जा रहे हैं होम मिनिस्टर के पास। होम मिनिस्टर के बाद भी अगर कोई नहीं सुनवाई होती है, दिन हम जा रहे हैं कोर्ट के पास, जैसे नारायण राणा ने लिया था लास्ट में, जब कोई सुनवाई नहीं होती है। तो कोर्ट हमारा लास्ट रिजॉर्ट है, उसके लिए पैसे, टाइम, सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जहां तक हमें है, हम लोगों के अवेयर, लोगों के आंदोलन से बड़ी बड़ी चीजें जो कोर्ट नहीं करता है, या कोर्ट को सुओ मोटो लेना पड़ता है, जब लोगों का आंदोलन में तब्दील हो जाता है तो कोर्ट के यहाँ आपको खटखाना नहीं होती है। कोर्ट खुद सुओ मोटो लेकर के कहता है कि हाँ ये ऐसा इशू क्यों हो रहा है, ला उसको हम कैंसिल करते हैं। अभी तक हम सुओ मोटो, हम चाहते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन पहले इनके खिलाफ तैयार हो जाए कि कोर्ट को खुद नोटिस लेना पड़े कि भैया इतना बड़ा आंदोलन आज क्यों हो रहा है, हो रहा है इसके पीछे क्या राज है। हम सुओ मोटो दाखिल करेंगे और इनको बुलाएंगे, कहेंगे पूछे दिखाइए, तो अब हमारे लिए आसान रास्ता होगा। और इस आसान रास्ता को हम चाहते हैं कि ये आसान रास्ता लें। हम वहाँ खाली कोर्ट में खामोशी से रोजाना दौड़ा दौड़ी हमारे बस की नहीं है। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के लोगों को हम अवेयर करेंगे, उनका आंदोलन करेंगे, और ये रास्ता आज से नहीं, आज़ादी से। हम सिर्फ वहाँ शांति से नहीं, वह आंदोलन, हर चीज़ से आज़ादी पाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। आंदोलन पहले करेंगे, अवेयर करेंगे लोगों को, आपका जातियाँ क्या हो रही हैं। दूर का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि उनके लिए वो अप्लाई कोविड का नहीं हो रहा है नॉर्म्स, और हमारे लिए क्यों हो रहा है, इसलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम इसलिए नहीं दे रहे कि वहां क्यों हो रहा है, वहां सत्ताधारी कर रही है इसलिए उनके लिए कोई नॉर्म्स नहीं होता है, और जब सत्ताधारी के विपक्ष करते हैं तो उनके लिए सारे नॉर्म्स आ जाते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहां पर सत्ताधारी कर रही है, यहां पर भी आज पेट्रोल पे सत्ताधारी कर रही है, कल वहां पर इतना बड़ा सत्ताधारी ने वहां पर मोर्चा किया, उसके लिए कोई नॉर्म्स नहीं है। लेकिन सारे नॉर्म्स हमारे मुंबरा के अंदर टॉरेंट के खिलाफ करने के लिए लग जाते हैं, ये नॉर्म्स अब नहीं होना चाहिए। हम उससे निजात पाना चाहते हैं, इसलिए आगे जाना चाहते हैं।